बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद फहद तुफैल और आप देख रहे हैं बर्ड शॉट टिप्स। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर मैं आपको एल्बिनो पसनाटा रेडाइस के हवाले से बताऊंगा, एल्बिनो पसनाटा रेडाइस की डिमांड इतनी ज़्यादा क्यों है और इसका रेट गिरता क्यों नहीं है और रेट अभी तक इसके स्टेबल क्यों हैं और इसके रेट दिन ब दिन बढ़ते क्यों जा रहे हैं। दोस्तों एल्बिनो पसनाटा एक ऐसी म्यूटेशन है जिससे तकरीबन तमाम म्यूटेशन क्रॉस होके बनती हैं। अगर आपको रेडाई में कोई वर्किंग करनी हो, कोई भी आपको म्यूटेशन बनानी हो, तो उसमें आपको एल्बिनो पसनाटा रेडाइस की ज़रूरत लाजमी पड़ेगी। दोस्तों एल्बिनो पसनाटा की जो ब्रीड है वो लेना थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसका बहुत ज़्यादा ख्याल करना पड़ता है। जैसे मिसाल के तौर पर आपको सिबलिंग पेयरिंग से इन्हें बचाना होगा, क्योंकि एल्बिनो पसनाटा रेडाई का ब्लड जो है वो बहुत ही ज़्यादा वीक है और इसी वजह से इसकी ब्रीड जो है वो कम आती है। तो इसमें कुछ एहतियात हैं वो हमें करनी चाहिए, जिसकी वजह से हम बहुत अच्छी ब्रीड ले सकते हैं और क्वालिटी ब्रीड ले सकते हैं। जिसमें सबसे पहले आपको सिबलिंग से बचाना होगा कि कोशिश ये करें, अगर आप बर्ड परचेज़ कर रहे हो तो उनकी आपको निशानदेही पता हो कि अलग अलग माँ बाप के आपने बच्चे लिए हैं, ठीक है ना। अगर आपने मिसाल के तौर पर कहीं से एक मेल लिया तो आप कहीं और से फीमेल ले लें, और अगर आपने कहीं से एक साथ पट्ठे उठाए हैं, क्योंकि पट्ठों में पता नहीं चलता कि मेल फीमेल का कन्फर्म नहीं होता, तो इसका सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप उनके पाँव में जो है कोई ऐसी निशानी डाल दें, रिंग ऐसे पहना दें, ताकि आपको पता हो कि ये मैंने इस कलर के रिंग या इस नंबर के रिंग वाले जो बच्चे हैं वो मैंने किसी अलग जगह से लिए हैं, और ये जो दूसरे रिंग के बच्चे हैं ये मैंने अलग जगह से लिए हैं। तो इससे आपको मुस्तकबिल में जब आप नेक्स्ट सीज़न में इसकी पेयरिंग करेंगे तो आपको पता होगा कि अलग अलग जगह के बच्चों को हमने इनको पेयर करना है, ताकि इनकी ब्लड लाइन मजबूत हो और रिज़ल्ट अच्छे आए। दोस्तों दूसरी चीज़, इनकी हमने डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है। तमाम इनको प्रोटीन, मिनरल्स, हर चीज़ इनको देनी पड़ती है। डाइट का बहुत ज़्यादा इसमें किरदार है, जैसे कि आप दाना अच्छी क्वालिटी का इसमें यूज़ करें, इनको कैनरी सीड वगैरह ये सब बढ़ा के दें, ठीक है। इसके अलावा सॉफ्ट फूड का आप इस्तेमाल करें, सॉफ्ट फूड इनको प्रोटीन वाली चीज़ें दें, कैल्शियम वाली चीज़ें दें, वेजिटेबल्स दें, सॉफ्ट फूड में आप इनको वेजिटेबल्स मिला के दें, और जितना हो सकता है आप इनको नेचुरल डाइट पर रखें, नेचुरल चीज़ों पर रखें। हर सीज़न की जो सब्ज़ी आती है वो भी इनको आप अपने सॉफ्ट फूड में क्रश करके डाल के दे सकते हैं, जिससे इनको काफ़ी हद तक फ़ायदा होगा। दोस्तों एल्बिनो पसनाटा में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, वो सबसे पहले प्रॉब्लम ये आती है कि एल्बिनो पसनाटा रेडाई, इनका सबसे मेन जो मसला है वो जेंडर कन्फर्मेशन का मसला है। जेंडर बहुत मुश्किल से इनका कन्फर्म होता है, और ये जो भी लव बर्ड की म्यूटेशन है इनमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है जेंडर का। जैसे अगर आपने कन्फर्म कर लिया, इसके बाद जब आप इसको पेयर करेंगे तो आपके पास सबसे पहला प्रॉब्लम ये आता है कि इनके अंदर अनफर्टिलिटी का मसला आता है। दोस्तों इसमें एक चीज़ ये भी बहुत काउंट करती है कि आप इसको प्रॉपर केज प्रोवाइड करें, प्रॉपर बॉक्स प्रोवाइड करें, प्रॉपर नेस्टिंग मटेरियल प्रोवाइड करें इनको, और इनकी तमाम तर ज़रूरियात का ख्याल रखें। आपके पास जो है वो वेंटिलेशन अच्छी हो, धूप भी आती हो, और ये सारी चीज़ें हैं जो कि हमें करनी पड़ती हैं। और इसमें एक चीज़ ये भी होती है कि एल्बिनो पसनाटा के हवाले से, अगर जैसे आपके पास अंडे फर्टाइल हो रहे हैं लेकिन आगे बच्चे सर्वाइव नहीं कर रहे, तो हम इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है उस पर हम फॉस्टरिंग पे जाते हैं। जैसे कि हमने कुछ पेयर्स ऐसे अपने पास लगा लिए फिशर्स के या लवबर्ड्स के, जो कि एल्बिनो के बच्चों को पाल सकें, उनके अंडों को हैच कर सकें और उन्हें जो है वो पाल सकें, ठीक है ना। तो अगर हम इन्हें फॉस्टर कर देंगे तो बहुत अच्छा रहता है। एक रिस्क वाला जो सिलसिला है वो हमारे जहन से निकल जाता है कि यार पता नहीं एल्बिनो पसनाटा रेडाई टू रेडाई रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, इसलिए हम जो है फिर इनके एग्स को फॉस्टर कर देते हैं और दूसरे पेयर्स फिर इनके अंडों को हैच करते हैं, अंडे सेकते हैं, और उसमें से फिर बच्चे जब हैच हो जाते हैं तो फिर ये उनको प्रॉपरली रूटीन के मुताबिक नॉर्मली जिस तरह वो अपने बच्चों को पालते हैं, इसी तरह एल्बिनो के बच्चों को भी वो पालते हैं। तो इसका सबसे बेहतर ऑप्शन यही होता है कि जितने भी ज़्यादा ब्रीडर्स हैं अक्सर वो यही करते हैं कि इनको फॉस्टरिंग पेयर्स के नीचे इनके जो एग्स हैं या फिर बच्चे हैं, कुछ हैं जो कि बच्चों को भी फॉस्टर कर देते हैं, ऐसा भी हम कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑप्शन यही होता है कि आप इनके एग्स को फॉस्टर कर दें, जो कि आपको पता हो कि हाँ यार ये पेयर जो है मेरे फॉस्टरिंग पेयर हैं, ठीक है ना। इसका तरीका ये होता है, आपने बॉक्सेस एक साथ लगाने होते हैं या मटकियाँ आप अगर यूज़ करें तो मटकियाँ एक साथ लगानी होती हैं। पहले जो अंडे आने चाहिए वो हमारे जो मेन पेयर है एल्बिनो पसनाटा, उसके अंडे आने चाहिए, उसके बाद उनके अंडे आएँ, तो ये ज़्यादा बेहतर रहता है। तो ये टाइमिंग का भी हमें ख्याल रखना पड़ता है, और फॉस्टरिंग करते वक्त कुछ एहतियात ही करनी पड़ती है कि अंडों को जिस पोजीशन में आप उठाएं उसी पोजीशन में उनको आप वहाँ रखें दूसरे मटकी या बॉक्स में, तो बहुत बेहतर रहता है। तो एल्बिनो पसनाटा की जो वजह है रेट बढ़ने की और ब्रीड इसकी कम है, डिमांड ज़्यादा है,
इसकी वजह से इसकी डिमांड ज़्यादा रहती है और इसकी जो है प्राइस जो है वो दिन ब दिन ऊपर होता है। पिछले सीज़न में जो लोगों के कुछ रेट्स थे, जैसे कि कुछ लोग ख़रीद रहे थे 17-18 हज़ार रुपये के हिसाब से इसकी बाइंग कर रहे थे, और 2021 के सीज़न में है वो कम से कम भी 25 हज़ार रुपये की लोग डिमांड कर रहे हैं पट्ठों की। तो इसका रेट दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है आने वाले दिनों में, और फ्यूचर में इसका बहुत बड़ा जो है ना एक बिज़नेस जो है आप कर सकते हैं। बस इसके लिए आपको जो चीज़ें इनको रिक्वायर्ड होती हैं और जो चीज़ें इसकी इसमें एहतियातें होती हैं वो करनी पड़ती हैं, जिससे आप जो है अच्छी से अच्छी ब्रीड इन बर्ड्स की ले सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और इससे यकीनन आपको कुछ ना कुछ अल्बिनो पर्सनाटा रेडाई के हवाले से इन्फॉर्मेशन मिली होगी जो कि आपके फ्यूचर में काम आएगी। अगर आपके पास करंटली ये बर्ड्स मौजूद हैं अल्बिनो पर्सनाटा की आप ब्रीड करा रहे हैं तो आपको इससे यकीनन फ़ायदा होगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपको पसंद आई है या इससे किसी को फ़ायदा हो सकता है तो इसको लाजमी शेयर कीजिएगा। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने बर्ड्स का बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।